हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस ट्यूटोरियल में हम लोग सोशल मीडिया आइकन एनिमेशन बनाना सीखेंगे। यदि आप HTML एंड CSS से फैमिलियर हैं तो आप भी इसे काफी आसानी से बना सकते हैं। इन दिस ट्यूटोरियल आई विल शो यू एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, सो जस्ट कीप वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द कंटेंट सो जस्ट लीव योर कमेंट एनिमेट इन द कॉमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस। I will open these two HTML and CSS file into the editor. Now just type the syntax of HTML file. अब हम लोग HTML के हेड में यहाँ CSS फाइल को लोकेट करेंगे। सो फ्रेंड, जो कुछ भी हम लोग CSS फाइल में एलिमेंट की स्टाइल करेंगे वह वेब पेज पर रिफ्लेक्ट होगा। Now we will open the live server sync. तो ये विजुअल स्टूडियो कोड का एक एक्सटेंशन है जिसे इंस्टॉल करके आप कुछ भी रियल टाइम में चेंजेस को देख सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि राइट साइड में ब्राउजर का पार्ट ओपन हो चुका है। जो कुछ भी हम लोग लेफ्ट साइड वाले स्क्रीन में चेंज करेंगे वो रियल टाइम में राइट साइड वाले स्क्रीन में अपडेट होगा। Now we will set the default value of margin and padding to 0. I think it is a good thing to do in first place because you can get maximum size of your screen. यदि आप कस्टम फॉन्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप गूगल फॉन्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि गूगल फॉन्ट ओपन सोर्स है और ये टोटली फ्री है। गूगल फॉन्ट यूज करने के लिए यू हैव टू गो टू द गूगल फॉन्ट साइट। यू कैन सी हियर, यहाँ पर जितने भी वैरायटी के फॉन्ट्स हैं ये टोटली फ्री है, आप जो चाहें आप वो यूज कर सकते हैं। सो आई विल सर्च द क्विक सैंड विच आई लाइक मोस्ट, सो जस्ट क्लिक ऑन द रेगुलर साइज। नाउ आई विल क्लिक ऑन द इम्पोर्ट। यू कैन सी द लिंक हेयर, सो आई विल कॉपी दिस लिंक एंड पेस्ट इट इन टू द CSS फाइल। नाउ हम लोग अब फॉन्ट फैमिली को कॉपी कर लेंगे और इसे स्टार में पेस्ट करेंगे। रिमेम्बर, आप कुछ भी स्टार में पेस्ट करते हैं वो पूरे पेज पर एप्लीकेबल होगा। नाउ वी विल चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ बॉडी। सो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया आइकन को HTML वेब पेज में एम्बेड करने के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉन्ट अवेसम एंड मेटेरियल डिजाइन के वेबसाइट पर जाकर आप कुछ भी वहाँ के कोई सा भी आइकन्स आप अपने वेब पेज में फ्रीली एम्बेड कर सकते हैं। फर्स्ट वी नीड द CDN लिंक ऑफ फॉन्ट अवेसम वेबसाइट, सो वी विल गूगल फॉर इट। सो हियर, सो नाउ आई विल चूज द स्टेबल वर्जन विच इज समथिंग 5.15 आई गेस। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस CDN लिंक एड्रेस को कॉपी कर लेंगे और HTML के हेड एलिमेंट में जाकर इसे पेस्ट कर देंगे। थ्रू दिस लिंक वी कैन यूज सोशल मीडिया आइकन्स फ्रॉम देयर सर्वर्स। आई विल गो टू द फॉन्ट अवेसम वेबसाइट फॉर सोशल मीडिया आइकन्स। सो सबसे पहले हम लोग जितने भी सोशल मीडिया आइकन्स हैं उसको HTML के बॉडी एलिमेंट में एम्बेड करेंगे। काइंडली रिमेम्बर, वट एवर यू राइट इन द बॉडी एलिमेंट इट ऑल अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन। बट उससे पहले हम लोग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे। इफ यू आर फैमिलियर विथ अनऑर्डर लिस्ट यू कैन यूज इट वेरी इजिली। सो नाउ वी विल क्रिएट लिस्ट एंड इंसर्ट एंकर टैग इनटू इट। उसके लिए आपको यहाँ पर सर्च करना है आप जो भी आइकन एम्बेड करना चाहते हैं। आई विल जस्ट सर्च हियर फेसबुक। यू कैन सी द फेसबुक आइकन हैज बीन अपीयर्ड। उस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर आई टैग दिख रहा होगा, हमें जस्ट इसे कॉपी करना है और इसे एंकर्स में जाकर एम्बेड करना है। यू कैन सी हियर आवर फेसबुक आइकन हैज बीन एम्बेडेड इन HTML वेब पेज। सो फॉर अदर आइकन्स जस्ट डू द सेम थिंग, मेक ए कॉपी ऑफ इट। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट आइकन फेसबुक है। सो हम लोग सेकेंड आइकन्स को रीनेम करेंगे ट्विटर से। उसी तरीके से थर्ड आइकन्स को रीनेम करेंगे गूगल प्लस से। यदि आपको आइकन्स के आई टैग के बारे में नहीं पता तो आप मैन्युअली फॉन्ट अवेसम के वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आई टैग को कॉपी कर आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। You can see here, I just searched for YouTube icon. Now you can see the I tag. Simply just copy it and paste it into the HTML. Now you can see we have inserted all the icons in our web page. And huge area hidden true. It will just hide all the children of the parent one. Just apply it to all. सो दोस्तों, सबसे पहले ये जो ट्राई कलर का आउटर रिंग है इसे क्रिएट करेंगे। इसमें के फर्स्ट टू कलर सॉलिड फॉर्मेट में है और जो कि सबसे लास्ट जो व्हाइट कलर है वो ब्लर फॉर्मेट में है। एज वी नो आवर फर्स्ट टैग इन बॉडी एलिमेंट इज अनऑर्डर लिस्ट, सो नाउ वी विल स्टाइल द अनऑर्डर लिस्ट टू गिव इट अ सर्कल शेप। सो फर्स्ट वी सेट द पोजिशन ऑफ अनऑर्डर लिस्ट इन रिलेटेड टू एंकर टैग। इफ यू आर फैमिलियर विद द पोजिशन प्रॉपर्टी ऑफ CSS देन यू बेटर नो हाउ टू यूज इट।
So here, anchor tag is our related position and all the alignment of other object will be set according to it. So dosto, ab hum log unordered list ko resize karenge. Now we will change the background color of unordered list. Now you can see the area of unordered list on the right screen. Now we will adjust the top and left position. आप चाहें तो आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं x एंड y एक्सिस पर। अब हम लोग बॉर्डर रेडियस को एडजस्ट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बॉर्डर रेडियस 50% है, यह शेप जो स्क्वायर में था ये ऑटोमेटिक सर्कल में चेंज हो जाएगा। नाउ वी विल गिव द शैडो इफेक्ट। इफ यू नो द बॉक्स शैडो रूल यू कैन यूज इट वेरी इजली। सो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि हमारा ट्राई कलर आउटर रिंग शेप सर्कल तैयार हो चुका है। नाउ वी विल यूज स्यूडो क्लास टू अनऑर्डर लिस्ट। जस्ट लीव द कंटेंट एंड पोजीशन एज इट इज। सो नाउ वी विल यूज टोटल विड्थ एंड हाइट ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। सो दोस्तों हम लोग इस सर्कल के मिडिल पार्ट में एक ब्लैक कलर का इमेज यूज करेंगे जो कि PNG फॉर्मेट में होगा। आप चाहे तो किसी भी वेबसाइट से ब्लैक कलर PNG आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। अब हम लोग सिंपली बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे और जो इमेज का एड्रेस है वो इस URL में इंसर्ट करेंगे। यू कैन सी हेयर वी हैव इंसर्टेड इमेज। अब हम लोग इस इमेज को रिसाइज करेंगे। Put the image position in the center. Now change the shape of new image to circle. So आप यहां देख सकते हैं कि सर्कल के सेंटर में एक छोटा डार्क सर्कल हमारा बन चुका है। Now adjust the top and left. You can see the bullet dot before the icon. We will simply remove it by setting the value list style to none. Now, जितने भी सोशल मीडिया के आइकन्स हैं वो इन दोनों सर्कल के बीच में अब हम इंसर्ट करेंगे। We will use the ninth child pseudo class to list. So here you can see the child one is our Facebook. Set left and top position and transform it at x-axis. आप यहां देख सकते हैं कि Facebook icon अपने position पर aligned हो चुका है। So our second nth child is Twitter. Set left and bottom and transform it at x-axis. You can see here, Twitter has been aligned on another position. Kindly do the same with all icons.
Now you can see हमारा जितना भी icons है वो सब अपने अपने जगह पर aligned हो चुका है. You can see here icons are looking not so good, so we will style the icons. For this we will go to the anchor tag. Set the text decoration to none. Set the black color. Increase the font size. Set the display to inline block. आप यहां देख सकते हैं कि अब काफी अच्छा दिख रहा है. Now we will give the hover effect. If we touch the icon with cursor, the color will be changed. So you can see here, all the social media icons are aligned on its position. So our next part is animation. अब हम लोग icons को and circle को animate करेंगे. Now we will write the animation properties. Set the value to animate 1 with time span of 4 seconds. Give it infinite rotation with linear motion. Write down the same animation properties in UL before and assign a different value. Kindly do the same thing with anchor tag. Now हम लोग की फ्रेम्स यूज करेंगे और एनिमेशन स्टाइल को सेट करेंगे. First, we will set the animation style of unordered list. Now we will set the animation style of anchor tag. और सबसे अंत में हम लोग UL before का एनिमेशन स्टाइल सेट करेंगे. आप यहां देख सकते हैं कि यह रोटेट होना स्टार्ट हो चुका है. अब हम लोग अनऑर्डर लिस्ट में होवर लगाएंगे और वहां पर एनिमेशन प्ले स्टेट को पॉज सेट करेंगे. ऐसा करने से जब भी माउस का कर्सर सर्कल पर जाएगा तो रोटेशन बंद हो जाएगा. Kindly apply the same pause state to UL hover before. Now we will set the animation pause state to anchor.
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही कर्सर सर्कल एंड आइकन्स पर जा रहा है तो एनिमेशन स्टॉप हो जा रहा है. यू कैन सी हियर इफ यू मूव द कर्सर टू एनी ऑफ आइकन्स द कलर चेंज टू वाइट. दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि कर्सर टच करने पर सारे आइकन्स का कलर डिफरेंट कलर्स में चेंज हो तो ये भी पॉसिबल है. उसके लिए हम सारे आइकन्स के क्लास को डिफरेंट कलर का होवर लगाकर सेट करेंगे. सो हियर लेट्स स्टार्ट विद फेसबुक. वी विल कॉपी दिस फॉर फेसबुक क्लास नेम, सेट द होवर प्रॉपर्टीज एंड सेट द कलर टू ब्लू. सो वेन एवर यू टच द आइकन विथ कर्सर द कलर विल चेंज टू ब्लू. Now do the same with other icons. Just copy their class name and set their hover properties to a different color. We just set red color here to YouTube class. So do the same thing with each and every class, and you can set different hover colors to each icon. Thank you for watching this tutorial. I hope you will get an idea about how to create social media icons animation with the help of HTML and CSS. If you have basic knowledge of HTML and CSS, you can do it very easily. Thanks for watching. If you are new here on my YouTube channel, don't forget to subscribe and click on bell icon to get more such latest updates. Thank you. See you in the next tutorial.